हेलो दोस्तों। तो जी जनाब, क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत के साथ अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारे पास, वो है वेब डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 7। तो आज मैंने आपसे कहा था कि अगला लेक्चर हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। आज भी हम लिंक्स के ऊपर ही बात करेंगे। अच्छा, पिछले बार जो हमने लिंक्स क्रिएट किए थे, मैंने आपको बताया था कि लिंक क्रिएशन किस तरीके से होती है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा लिस्ट के जरिए लिंक को कॉल किस तरीके से करवा रहे हैं, यानी कि जो हमने लिस्ट के टैग जो किए थे पिछले लेक्चर में। आपको प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा अनऑर्डर लिस्ट का और ऑर्डर लिस्ट का और नेस्टेड लिस्ट का, तो उसके जरिए मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि लिंक उसके अंदर किस तरीके से क्रिएशन करवानी है। और सपोज अगर किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रहते हुए हमें 3 फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, यानी 3 फोल्डर उसके अंदर और हैं और उसके अंदर हमारे पास जाके फाइलें रखी हुई हैं, तो अगर हमें लिंक क्रिएट करवाना है तो जो उसकी लोकेशन है वो हम किस तरीके से देंगे, आज हम उसको वो भी जानेंगे, थोड़ा उसको क्लियर करेंगे अच्छे तरीके के साथ। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो है, मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही जो है कवर अप करवाऊँ। तो आप लोगों ने ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से और क्लियर करके आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा, बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर की जो फाइल्स हैं, मैंने वही लेक्चर यहाँ वही फाइल से मैंने कॉल करवाई है। एक फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर एक सेपरेट बनाया है न्यू के नाम का, और जो पिछली फाइल्स थी मेरे पास जो कि थी गैलरी, होम लिंक्स और मैसेज की, मैंने वही फाइल इस फोल्डर के अंदर ला के रख दी हैं। अब इस फाइल के अंदर मैं एक काम करूँगा कि जो मैंने लिंक्स का जो हमारे पास फाइल थी, ब्राउज़र के अंदर जाके उसको ओपन करेंगे। पहले सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो होम और गैलरी मैसेज जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं कुछ इस तरह से। अब मैं जाके जो है इसी कोडिंग यानी ऑटोकैड के अंदर जो है इसको ओपन करूँगा। अब सपोज क्या करना है, अब मैं इसको लिस्ट के थ्रू कॉल करवाऊंगा। तो लिस्ट के लिए आप लोगों को पता है कि यूएल का टैग है हमारे पास, यूएल का टैग किया हमने ओपन, और उसके अंदर लिस्ट हमें बनानी है, कोई ऑप्शन क्रिएट करवाने हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा टैग है हमारे पास, एलआई का टैग हमने किया स्टार्ट, और यहाँ किया हमने एलआई का टैग आकर, सॉरी यहाँ आके कर दिया हमने क्लोज। यहाँ भी हमें यही करेंगे काम, एल आई को ओपन करवाएंगे और यहाँ आके हम लोग करवा देंगे एल आई को क्लोज। अब ये लिस्ट के जरिए कॉल आउट हो रही है आपके लोगों के सामने। ठीक है, सपोज लिस्ट के जरिए कोई हमने चीज़ वहाँ कॉल करवाई है, कोई ऑप्शन लिखे हैं लिस्ट के अंदर, तो उसके ऊपर लिंक हमारे पास किस तरीके से अप्लाई होंगे, अप्लाई होंगे उसी तरीके के साथ जिस तरीके के साथ हमने पहले अप्लाई किए थे। इस आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट जो है मैंने जो बी आई के टैग लगाए थे उसको हटाया, वहाँ यू एल का टैग मैंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया और लिस्ट के टैग यहाँ पे लगाए और शुरू में, और लास्ट में इसको करवाया मैंने क्लोज। तीनों लिंक्स के ऊपर मैंने यही काम किया। अब यहाँ आके यू एल का टैग भी मैं करवा रहा हूँ क्लोज। अब इसको करेंगे कंट्रोल एस के साथ सेव, और जाकर देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर कुछ इफेक्ट आया है, कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं। रिफ्रेश करवाया मैंने, तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ आके कि हमारे पास लिस्ट के अंदर जो है ये हमारे पास क्रिएशन हुई है होम की, गैलरी की और मैसेज की, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो रही है हमारे पास, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। अब वो क्यों हुई है वो कोडिंग के ऊपर जाके देखेंगे आखिर हमने क्या गलती की है। अच्छा जी, तो हमने क्या गलती की है ऐसी कि डिस्टर्बेंस हमारे पास जो है क्रिएट हुई है आके। तो अच्छा, गड़बड़ क्या हुई है हमारे पास यहाँ आके, डिस्टर्बेंस जो जिसकी जगह ये क्रिएट हो रही थी वो हमारे पास हुआ है ये यहाँ पे आकर कि हमने एल आई का टैग यहाँ वापस क्लोज नहीं करवाया है, यहाँ गलती से स्लैश यहाँ लग गया था, तो वापस जाके एल आई के टैग को यहाँ करवाते हैं क्लोज। कंट्रोल एस करके किया सेव, अब जाकर देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट टैग क्रिएट हो गई है जिसके ऊपर होम गैलरी मैसेज के ऑप्शन आ रहे हैं और जो कि लिंक्ड हुए हुए हैं पेजेस के साथ। अब पेजेस के साथ लिंक्ड हुए हैं, होम के ऊपर क्लिक करते हैं हम आ गए होम के ऊपर। होम फाइल जो थी हमारे पास, मैं रखी हुई जैसे करके बताता हूँ, लिंक क्रिएशन होम,
पीछे गए, बैक किया, गैलरी के ऊपर आ गए। आप देख सकते हैं लिंक क्रिएशन गैलरी, और मैसेज के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास लिंक क्रिएशन मैसेज, तीनों फाइल हमारे पास अपेयर हो रही हैं। तो मतलब हमारी कोडिंग जो लिस्ट के जरिए थी वो अच्छे तरीके से काम कर गई। अब मैंने एक और काम आप लोगों से क्या कर कहा था, बेसिकली अब जो काम हम लोग करेंगे, फाइल इस तरह एक फोल्डर के अंदर हमने सेपरेट फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने तीनों फाइल यानी फोर्थ फाइल जो हमने पिछली थी वो सब रख ली आके, और कोडिंग भी एज इट इज ही काम करी थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिंक के साथ ही फाइल रखी हुई थी होम गैलरी और मैसेज की। जैसे कि हमने डेस्कटॉप के ऊपर आके जब हमने सेव की थी तो उसके ऊपर भी हमारे पास लिंक के नीचे ही हमारे पास होम गैलरी और मैसेज की साथ ही फाइल आ रही थी, तो इसलिए कोडिंग के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं की। यहाँ पर लिंक्स के साथ यहाँ पास होम गैलरी और मैसेज आ रहे हैं, तो यहाँ भी कोडिंग इसके यानी कि फाइल्स हमारे पास साथ ही रखी हुई थी, उस फाइल के यानी कि जो हमारे पास होम वाली जो हमारे पास लिंक्स वाली जो क्रिएशन की जो मेन फाइल थी उसके साथ ही हमारे पास होम की फाइल भी रखी हुई थी, गैलरी की भी, मैसेज की भी, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई थी साथ ही फाइल। तो इसलिए हमने सिर्फ सीधा होम लिखा डॉट एच टी एम एल यानी कि उसकी एक्सटेंशन दी कि ये फाइल हमारे पास लिंक्स के साथ ही ये फाइल भी रखी हुई, तो आप उसे यहाँ पे कॉल करो। तो उन्होंने गैलरी को भी कॉल किया और मैसेज को भी कॉल करवाया, तो हमारे पास सामने सारी चीज़ें आ गई और ये कोडिंग भी हमारे पास काम करी। और जब हमने लिंक को क्लिक करवाया तो हमने देखा कि हम लोग उस लिंक के ऊपर जा रहे थे, लिंक क्रिएशन होम के ऊपर हमने पेज के ऊपर आ चुके थे, तो हमारे पास सक्सेसफुली ये कोडिंग काम कर रही थी। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर एक फोल्डर के अंदर, सपोज कि यहाँ पर जो फोल्डर सेपरेट हमने फाइलें बनाई थी, अब इस इसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर हो, एक और फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं हम लोग अपना न्यू फोल्डर लिंक्स के नाम से, नहीं हम लोग चले एक फोल्डर क्रिएट करवाते हैं लिंक के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर आके सकते थे हम लोग अपनी मैसेज वाली फाइल। अब इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, इसका फाइल इसका नाम हम लोग रख देते हैं, क्या नाम रखें इसका, चलिए इसका नाम रखते थे हम लोग न्यू ही रख देते हैं कि न्यू फोल्डर है हमारे पास। अब मैं ये जो लिंक्स वाली होम वाली जो फाइल हमारी सॉरी गैलरी वाली जो फाइल है वो मैं मूव करूँगा अपने न्यू फोल्डर के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर के हमने देखा, एक फोल्डर जो सेपरेट फोल्डर था हमारा, जिसके अंदर हमने वो अपने होम गैलरी और मैसेज के फाइल क्रिएट की गई थी, अपनी मेल फाइल जो हमारे पास लिंक्स की थी उसके साथ। अब मैं ये उसके अंदर हमें क्रिएट करवाया एक और फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर हमने रख दी यहाँ पे मैसेज वाली फाइल, और उस फोल्डर के अंदर गए और उसके अंदर भी बनाया हमने एक सॉरी आई थिंक हाँ ठीक है ठीक है। जब हमने एक सेपरेट फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने होम के लिए मैसेज वाली फाइल रखी, तो उसके अंदर हमने बनाया एक और फोल्डर जो कि लिंक के नाम के साथ था, और उसके अंदर हमने जाके रखी हमारे पास फाइल जो है वापस आ रही है मैसेज की, और उसके अंदर मैंने एक और फोल्डर क्रिएट करवाया यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर और उस फोल्डर के अंदर भी फोल्डर, यानी कि एक फोल्डर के अंदर हमने रखा दूसरा फोल्डर और दूसरे फोल्डर के अंदर ही मैंने रखा एक तीसरा फोल्डर अपना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास न्यू फोल्डर जो आएगा उसके अंदर होगी हमारे पास गैलरी की फाइल। अब इसे किस तरीके से लोकेशन देनी है इसकी, इसे किस तरीके से कॉल करवाना है इन पेजेस को अपनी कोडिंग के अंदर, तो वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ कितने फोल्डर हो गए, एक फोल्डर हो गया लिंक वाला और एक फोल्डर हो गया न्यू वाला, तो बेसिकली हमारे पास दो फोल्डर अब यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं। कोडिंग पे आते हैं, पहली लोकेशन देनी है होम डॉट एच टी एम एल की, यानी कि हमारी जो होम वाली फाइल है जो पेज है हमारे पास वो हमारे पास जो मेन फाइल है लिंक्स वाली उसके साथ ही रखी हुई है, लिंक्स के साथ ही रखी हुई है यहाँ पे होम वाली, ये बात तो समझ में आ गई। अब गैलरी को किस तरीके से कॉल करवाना है अब वो हमें वो देख रहे हैं। अब जो हमारे पास लिंक्स वाली जो हमारे पास मेन फाइल थी उसके साथ आ रहा है हमारे पास हमारा फोल्डर लिंक, तो आप जाओ लिंक के अंदर और स्लैश करो, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जब लिंक के अंदर जाओगे तो उसके अंदर हमारे पास स्लैश लगाया कि उसके बाद भी हमारे पास एक और कैटेगरी है। लिंक्स के अंदर जाएंगे तब उसके अंदर हमारे पास कौन सी फोल्डर आया है न्यू का, अब लिंक के अंदर जाओ स्लैश लगाया कि एक और कैटेगरी के अंदर जाना है जो कि हमारे पास न्यू, न्यू के अंदर जाओ एक और स्लैश लगाओ और वहाँ हमारे पास फाइल रखी हुई है गैलरी डॉट एच टी एम एल की, तो उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। तो ये है उसकी लोकेशन देना एक फाइल की।
अब हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास मैसेज की लोकेशन हमें किस तरीके से देनी है। बैक करते हैं वापस। अच्छा जी, तो हमारे पास एक फोल्डर है यहाँ पे लिंक के नाम का, लिंक्स की फाइल के साथ ही हमारे पास फोल्डर रखा हुआ है लिंक के नाम का। स्लैश लगाया कि एक और कैटेगरी के अंदर जाना है, उसके लिंक के फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पड़ी हुई है हमारे पास हमारी मैसेज की एक पेज, एक फाइल, तो उसे जाके आपस यहाँ कॉल करवा दो। हमारे पास था क्लियरली, अब आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं एक बार अच्छे तरीके के साथ क्लियर करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास है हमारा लिंक्स का एक मेन पेज जिसके ऊपर हो रही है हमारे पास पूरी कोडिंग। उस लिंक्स की पेज के साथ हमारे पास एक फाइल रखी हुई है होम के नाम से, होम डॉट एस टी एम को हमने करवाया यहाँ पे कॉल, उसे उठाकर यहाँ ले आओ और हमें जब होम पे क्लिक करें तो हमें इस फाइल के ऊपर जाना है। एक बात तो ये हुई। अब गैलरी का ऑप्शन तो यहाँ लिंक्स के अंदर मौजूद नहीं, वो गया है फोल्डर के अंदर। तो हमारे पास लिंक्स के पेज के साथ कौन सा फोल्डर है, लिंक वाला। तो वो हमने लिखा कि लिंक का पेज है, स्लैश लगाया कि लिंक के अंदर जाओ, गए लिंक के अंदर। अब उसके अंदर हमारे पास है न्यू का फोल्डर। देखो न्यू का कुछ है हमारे पास है नहीं, उसने देखा तो यहाँ पे न्यू मौजूद है, तो न्यू के अंदर भी जाओ, स्लैश लगाया, अंदर आ गए भाई न्यू के। अब गैलरी वहाँ पे लिखा होगा गैलरी डॉट एच टी एम एल की, हमारे पास कुछ काम है या नहीं, उसने कहा है तो उसे उठा लो यहाँ लेके आ जाओ। ये बात होगी हमारे पास गैलरी की। अब बात करते हैं हमारे पास लिंक की, कि मैसेज जो है उसका लिंक किस तरीके से देना है। लिंक का एक फोल्डर हमारे पास मौजूद है लिंक्स की मेन फाइल के साथ, जी हाँ है, तो उसके अंदर जाओ, आए और हमने देखा वहाँ पे मैसेज पड़ा हुआ है, मैसेज की फाइल रखी हुई है नहीं, उसने बोला है, स्लैश लगाया, उसने अगर मैसेज की फाइल उठाओ वहाँ से डॉट एच टी एम एल की और ला के यहाँ दे दो, तो उसने वहाँ से उठाई फाइल और यहाँ ला के हमें दे दो। तो ये थी फोल्डर के अंदर अगर हमारे पास कोई फाइलें रखी हों और उसे किस तरीके से कॉल करवाना है, उसकी कोडिंग, उसके लोकेशन किस तरीके से देनी है हैश के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस करते हैं इस कोडिंग को सेव कंट्रोल एस के साथ और देखते हैं जाके कि ये कोडिंग काम करती है कुछ, हमें हमारे पास परफेक्टली जैसे पिछले तरीके से काम होता है वैसे काम मिल रहा है या नहीं। अब हम करते हैं इस पेज को रिफ्रेश। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने रिफ्रेश करवाया। अब होम की फाइल को देखते हैं जाके। अच्छा ये मैंने आपको एक बात की और बताऊं कि ये इन दोनों के रंग तो बदल गए, होम का नहीं बदला। अच्छा हम जब गैलरी का और मैसेज का रंग बदला, वो इसलिए बदला क्योंकि हमने मैसेज की और जो हमारे पास गैलरी थी उसकी लोकेशन चेंज की, लेकिन होम वाली जो लोकेशन थी वो हमारे पास प्रीवियस वाली थी तो उसे हमने चेंज नहीं की। तो उसने हमारे पास जो पिछला हमने होम का जो विजिट कर चुके थे इसीलिए उसने उसका कलर चेंज नहीं किया, उसका कलर हमारे पास उसने पिछला वाला ही रहने दिया जो कि विजिट करने के बाद होता है, यानी पर्पल। अच्छा अब होम पे क्लिक करेंगे, होम आ चुका है, वो पिछला वाला काम क्योंकि पिछली वाली लोकेशन थी हमारे पास। अब इसका रंग भी इसने पर्पल ही रहने दिया। अब गैलरी हमारे पास जो कि ब्लू कलर की है, अब इसकी लोकेशन भी हमने चेंज की थी। अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करके देखा तो ये हमारे पास उसी फाइल के अंदर हमारे पास उसने शो करवा दी जो गैलरी वाली फाइल थी हमारे पास, कि लिंक क्रिएशन गैलरी हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रही है। अब जाते हैं पीछे वापस, अब देख सकते हैं आप इसका कलर हो चुका है पर्पल। तो बेसिकली हमने कर लिया है इस पेज को, इस ऑप्शन को विजिट जाके। अब मैसेज वाला रह गया है तो मैसेज पे जाके देखते हैं काम उसने सक्सेसफुली कर रहा है या नहीं। क्लिक किया तो मैसेज वाली भी लोकेशन जो हमने फोल्डर के अंदर जाके दी थी वो भी हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रही है। तो ये हो गई हमारे पास लिंक क्रिएशन मैसेज, यानी कि मैसेज वाली फाइल भी हमारे पास काम करी अच्छी वाली और सक्सेसफुल ही। और इसने हमारे पास विजिट के बाद करने के बाद मैसेज को भी दे दिया हमने कि हमारे पास क्या कौन सा कलर, पर्पल का कलर। तो बेसिकली आई होप कि आपको ये फोल्डर वाली जो क्रिएशन थी मैसेज की वो भी समझ आ चुकी होगी। मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर करके बताया है, अगर कोई चीज़ प्रॉपर आपको समझना है वीडियो को पीछे कीजिएगा थोड़ी सी और वहाँ से जो ऑप्शन आपको क्लियर ना हो वो देखिएगा, उसे क्लियर कीजिएगा, फिर समझना आए वापस उसे पीछे बैक कीजिएगा और फिर समझिएगा उसे दोबारा से अच्छे तरीके के साथ। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग थोड़े से और टेक्स्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी जंप आउट करेंगे एक पूरे वेब पेज किस तरीके से क्रिएट होता है, उसके क्रिएशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें दरकार होती है। तो बेसिकली उस पेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये टैग थोड़े HTML के बताने ज़रूरी थे, इसलिए ये सब HTML के टैग पहले आपको थोड़े क्लियर करवाया कि जानना चाहता था।
और सॉरी मैं ये क्लियर करवाना चाहता था आप लोगों के साथ कि आप लोगों को थोड़े से HTML के जो टैग हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो बेसिकली मुलाकात होगी अब आपके साथ अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आप लोगों के साथ। दोबारा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और प्लीज़ जाने से पहले प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आगे और लेक्चर लेके आने वाला हूँ, ताकि मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।